हाय फ्रेंड, दिस इज नम्रता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल हुनर क्रिएशन। दोस्तों, आप सबको पता है कि टीचर्स डे स्पेशल जो है सीरीज चल रही है और ये आज मेरी लास्ट सीरीज है और इसमें मैं दो चीजें आपके लिए लेके आई हूँ जो आप टीचर्स को दे सकते हैं। पहली तो ये टिश्यू बॉक्स है, ये देखिए, इसमें आप टिश्यू रख सकते हैं या जो भी टीचर अपनी चीज चाहे वो रख सकती हैं। और ये स्क्वायर वुडन बॉक्स है जिसको मैंने कलर किया हुआ है गोल्डन कलर से, ये आप अपने टीचर को दे सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। सेकंड देखिए, ये सिंपल सी फाइल, इसको मैंने डेकोरेट किया है जो टीचर्स अपने पेपर वगैरह इसमें आसानी से रख सकते हैं, ये देखिए, और इसको लगा सकते हैं। आप आसानी से घर पे ये सामान अवेलेबल रहता है और बनाइए और अपने टीचर को दीजिए इस टीचर्स डे पे। ओके, जब भी आप स्कूल जाएं तो आप दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे फोटो खींच के आप उनको दे सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। ओके, देन लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, किड्स, तो टिश्यू बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। टिश्यू बॉक्स के लिए ये देखिए, मेरे पास ये पुराना डिब्बा पड़ा हुआ है, ये वुडन बॉक्स है। आपके पास जो भी बॉक्स अवेलेबल हो, आप पेपर का यूज कर सकते हैं, पेपर बॉक्स यूज कर सकते हैं, और जो जिसमें आप लोग कुछ खाने पीने का सामान भी आता है वो वाले जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे चीजें आप यूज कर सकते हैं टिश्यू बॉक्स के लिए। अब हमने क्या करना है, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है सिंपल, तो सबसे पहले क्या करना है, ये है हमारा फैब्रिक कलर जो कि सब पे चल जाता है, और ये रहा पानी। ओके, और ये रहा हमारा ब्रश। तो अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जुट जाना है। ओके, ये हमने कलर लिया एंड देखिए इसके ऊपर हमें ब्लैक, पूरा हमें ब्लैक कलर कर देना है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली खुद ही ब्लैक है, पर जितने गंदे संदे धब्बे पड़े हुए हैं हमें उनको हटाने के लिए, इसको बाइंड अप करने के लिए हमें ब्लैक कलर इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए शाइन आने लगी ना ब्लैक कलर लगने से, ऐसे ही आपको ये पूरा जो है ब्लैक कलर कर देना है, इसमें भी कर देना है और इसमें भी कर देना है। और फिर कम से कम आधे घंटे के लिए इसको, क्या जब तक ये सूख नहीं जाता अच्छे से ऊपर हमें दूसरी पेंटिंग के लिए, तब तक हमें इसमें सूखने देना है। ओके, ये देखिए, ये पूरा जो है डिब्बा है ये पूरा सूख गया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन डस्ट कलर है, और इसमें मैंने मीडियम मिला के इसको लिक्विड किया है। और अब मार्केट में लिक्विड भी डस्ट कलर आने लगे, मेटालिक कलर लिक्विड भी आने लगे, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपको जो भी डिजाइन यहाँ अच्छी लगे आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं वो डिजाइन। मैंने सोचा अब टीचर के लिए मैं थोड़ा सा एथनिक डिजाइन लूं, एथनिक वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती है एथनिक डिजाइन, तो मैं यहाँ पे पिकॉक बनाने जा रही हूँ। तो मैं, आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं और आपको डायरेक्ट ड्राइंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है ड्रॉ करके भी आप इसमें बना सकते हैं, या व्हाइट कार्बन पेपर से आप कुछ ट्रेस भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, अब देखिए यहां से मैंने बॉडी शेप दिया इसको, वैसे ये जो डिब्बा है ये बहुत पुराना डिब्बा है, ये मेरे फादर इन लॉ के पास रखा हुआ था और कम से कम ये 17-18 साल पुराना डिब्बा है। तो मैं अक्की लखनऊ गई और मैंने इस डिब्बे को देखा, तो आप सबको पता है कि मैं बहुत जुगाड़ हूं, तो ये डिब्बा मैं उनसे मांग के लेके आई, मांग के क्या, छीन के लेके आई। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया।
पर्स को फिर मैंने सोचा कि टीचर्स डे पे टिश्यू बॉक्स बना के हम अपनी टीचर को भी दे सकते हैं। ये देखिए, जो भी आपको डिजाइन समझ में आए आप बनाइए, कंप्लीट करिए इस डिजाइन को। और ये देखिए, इसी तरह से कितना प्यारा ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। पुराना बॉक्स था और कैसे नया सा लग रहा है बिल्कुल। आप अपने टीचर को देंगे तो वाकई क्या पता वो दो चार नंबर आपके बढ़ा ही दे के देखना एक बार। ओके, ये देखिए, ये और चारों तरफ मैंने इसके ये डिजाइन बना दी है, ठीक है ये। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, है ना। तो चलते हैं अपनी सेकंड पेंटिंग के साइड। अब देखिए, सेकंड पेंटिंग में आपको क्या करना है, अपनी टीचर के लिए आप क्या दे सकते हैं। ये सिंपल फाइल है, ओके, ये सिंपल फाइल है। टीचर्स जिसमें अपने पेपर्स वगैरह बनाते हैं या आपको डेली पढ़ाने के लिए जो आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह इसमें जो बना के रखते हैं, लेसन प्लान वगैरह जो बना के रखती हैं टीचर्स, उसके लिए आप उनको फाइल एक दे सकते हैं। मगर ये खाली लग रही है ना, एकदम ऐसे सुनी सुनी थी। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने एक डिजाइन बनाई हुई है, ये बहुत ही कॉमन डिजाइन है। ये देखिए, बहुत ही कॉमन डिजाइन है। आप कोई भी डिजाइन नेट से उतार सकते हैं या आप कुछ भी इस पे डेकोरेट करके दे सकते हैं। मैं इस पे कलरिंग करने जा रही हूं। तो देखिए, इसको मैंने यहां लगाया और ये देखिए, इसके ऊपर इसकी ट्रेसिंग आ गई। अब हम सीधे इसके ऊपर कलर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इनकी टर्बन बनाएंगे। टर्बन बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया हुआ है। अब इनकी ड्रेस को मैं ऑरेंज कलर देने जा रही हूं। देखिए, मैंने 4 नंबर का राउंड ब्रश लिया है और उसी से मैं, ये देखिए, आपको कलर, अगर आपने नीचे डिजाइन रख रखी है तो आपको कलर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने आराम से हो रहा ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गया। और इसके अंदर जो है टीचर्स अपने जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो आसानी से रख सकते हैं। ये देखिए, और ये, और ऊपर से देखिए फाइल कितनी खूबसूरत लग रही है, डेकोरेटिव। देखिए कितनी आसानी से ये रेडी हो गया, थोड़ा सा बस दिमाग लगाया और ये रेडी हो गया। और सेकेंड ये बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया था। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें मेरी पसंद आई हैं, और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और मेरे वीडियोस को एक तो लाइक दीजिए, प्लीज लाइक तो एक बनता ही है। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते रहे, एंड हैप्पी टीचर्स डे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही न्यू पेंटिंग के साथ। टिल देन, बाय बाय।